तो आज हम रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और रेडियो एक्टिव ये पढ़ेंगे तो अल्फा रेज, गामा रेज और बीटा रेज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फा रेज पढ़ रहे हैं कि अल्फा रेज में क्या है। अल्फा रेज को हम उसको कहते हैं अल्फा एमिशन। अल्फा रेज जो इसको हम दूसरे ऐसे भी कहते हैं कि टू प्रोटॉन टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन एक ही टाइम सेम टाइम न्यूक्लियस से निकलते हैं, उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। एक ही जगह पे मतलब ये न्यूक्लियस है और ये सेल है, इस सेल से एक ही टाइम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन निकलते हैं, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कहते हैं और दूसरे इसको कहते हैं ऐसे लिखते हैं अल्फा पार्टिकल को लिखते कैसे लिखते हैं ऐसे 4 × 2 ऐसे लिखते हैं। और दूसरा तरीके से लिखते हैं हीलियम, अब जो हीलियम पार्टिकल कहते हैं उसे अल्फा पार्टिकल को हीलियम की तरह भी लिखते हैं ऐसे H4O2 ऐसे भी हम लिखते हैं अल्फा पार्टिकल को। और दूसरी इसकी चार्ज, चार्ज जो लिखते हैं चार्ज जो होती है हमारे अल्फा पार्टिकल में, अल्फा पार्टिकल में चार्ज होती है वो होती है प्लस टू चार्ज होती है अल्फा पार्टिकल पे, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं इस पर टू निकलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन में जो प्लस चार्ज होती है इसके लिए इस पर भी चार्ज टू होती है। हाईएस्ट चार्ज होता है इसका भी टू, हाईएस्ट चार्ज है कंपेयर टू अल्फा बीटा गामा है बीटा रेज एंड गामा रेज के। और दूसरा इसमें जो है इसका होता है मास, मास का डिफाइन किया जाता है, मास जो है इसका मास का है 4 AMU, इसका मास जो है 4 AMU है। और दूसरा इसकी जो है इसकी स्पीड, अल्फा रेज की जो अल्फा पार्टिकल की स्पीड है वो है हमें तो ज़्यादा लिखती है, बहुत ज़्यादा है, मगर मिस कंपेयर टू गामा रेज एंड बीटा ये बहुत कम है, मतलब बहुत स्मॉलेस्ट है, लीस्ट है, लीस्ट स्पीड है। और दूसरी इसमें है आयनाइजेशन, आयनाइजिंग जो है ये आयनाइजिंग इसमें भी होती है, आयनाइजिंग इसमें होती है बहुत होती है इसमें, क्योंकि ये वहाँ से प्रोटॉन निकलते हैं और गैस से लगते हैं और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके लिए इसको आयनाइजिंग भी कहते हैं। और दूसरी इसमें पहला उसमें स्पीड में इसकी कम है एज कम्पेयर टू गामा रेज एंड बीटा रेज, और चार्ज में इसकी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बीटा गामा रेज एंड इसमें। और इसका मास भी है ये हेवीस्ट होता है, मास हेवीस्ट होता है, मोस्ट हेवीस्ट होता है। और दूसरा इसकी जो हम पढ़ते हैं इनिशन में क्या कैसे पता चलता है कि हम सारे उठा रहे हैं कम एटम उठा रहे हैं यूरेनियम, क्या है यूरेनियम, और यूरेनियम के जो ये होता है 236 होते हैं एटॉमिक नंबर और 292 होता है। और इधर से हम एक अल्फा रेज निकाल रहे हैं, क्या अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, जैसे हम अल्फा पार्टिकल निकालते हैं ये एक अल्फा पार्टिकल है 4 × 2 इसी निकाल हमें क्या बनेगा, ये बनेगा 232 एंड वाई इसको डाट रखे थे और ये बनेगा 290। ये पेरेंट है और ये डाटा इसको जो अल्फा रेज निकल जाता है उसके बाद हम डाटा रखेंगे ओके के फाइटर्स के लिए। जैसे ये 4 है 36 से हम 4 निकालें और कितने बचे 32 और यहाँ से 92 से 90 बना इसलिए। और जो और बनाएंगे हम कह रहे हैं कि इससे 3 अल्फा निकालेंगे तो क्या हमारा जवाब आएगा। तो जैसे इससे हम 3 अल्फा निकालेंगे तो क्या है यहाँ से 4 2 है 2 2 6 यहाँ 84 लिखेंगे
और जो इनका है इनके निकालेंगे इधर 230 है, उसके चार चक्र 12 बार निकालेंगे तो ये 270 जाएगा। इसी तरीके से हम इसके बराबर मन करते जाते हैं और इसके ऊपर हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, और दूसरा है बीटा हाइड्रोजन। जो बीटा हाइड्रोजन होते हैं कि बीटा हाइड्रोजन दूसरा कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा उसको इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और दूसरा उसको मास। अब आप सोचते हो जी कि इसको बीटा हाइड्रोजन का मास होता है वही इलेक्ट्रॉन का मास होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मासा ब्रेकन है 9.1 × 10⁻³⁰ ये होगा। आप सोच रहे हो कि ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होता, ये नहीं होता। इनका जो मास होता है वो इनडिफाइनेट होता है, मास ऑफ बीटा पार्टिकल इनविजिबल होता है, इनडिफाइनेट जैसे हाई स्पीड होती है बहुत स्पीड जैसे चलता है, एक इतनी स्पीड जा रहा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हाई स्पीड होती है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए इसका मास कंसीडर नहीं किया जाता, इनडिफाइनेट किया गया है। अगर जो रेस्ट में है बीटा पार्टिकल रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो फिर हम वही कंसीडर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वाला 9.1 × 10⁻³। रेस्ट में है तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं इसका मास। अगर जो मूविंग में है बहुत हाई मूव करता है, मतलब तकरीबन इसकी लाइट स्पीड है, तकरीबन लाइट स्पीड के कंपेयर करता है, इसके लिए हम इसका मास इंडिफाइड कर सकते हैं। और दूसरी इसमें होती है एनर्जिन, इसमें भी होती है मगर मीडियम होती है, इतनी एनर्जिन नहीं होती। और दूसरा इसमें होता है एनर्जिन होती है और दूसरा इसमें चार्ज, इसकी जो बीटा चार्ज है वो है -1, इसकी बीटा चार्ज जो है -1 है। और इसको लिखते हैं हम कैसे, हम लिखते हैं इसे -1 लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। और दूसरा इसको होता है इनिशियलाइजेशन, तो मतलब तो हम बीटा इनिशियलाइजेशन करते हैं। बीटा इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, हम एक कार्बन उठा रहे हैं, कार्बन अनस्टेबल कार्बन, ये कार्बन है N6, ये अनस्टेबल कार्बन है, जैसे कार्बन ए अनस्टेबल है, अनस्टेबल कार्बन है, एक अनस्टेबल कार्बन है। वैसे स्टेबल कार्बन जो होता है वो 12 6 होता है, तो हम अनस्टेबल कार्बन उठा रहे हैं और इसको हम बीटा बीटा पार्टिकल्स पर बात कर रहे हैं। जैसे बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं तो ये हमारा बन रहा है ऐसे वाई डाटा निकल रहा है इधर से, ये सेम रहेगा क्योंकि ये जीरो है तो 14 में 14 ही रहेंगे, 14 में 14 रहेंगे। और 6 में ये -1 है तो -1 इधर एक प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। और ये क्या पार्टिकल बन जाएगा, यह आपको पता होगा 7 एटॉमिक नंबर किसका है, ये बन जाएगा नाइट्रोजन, ये बनेगा। और इधर एक जो ये सेम मतलब एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर है सेम, एटॉमिक नंबर सेम को सेम रह रहा है। और जेड एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 2, इंक्रीज हो रहा है बाय 1, ये एक इधर इंक्रीज हो रहा है, बाय इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, वैसे जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रह रहा है। तो इधर एक दो प्रॉब्लम आ रहे थे, जो बीटा रिएक्शन कर रहे थे तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है
इधर हमें दो मसल खराब करवाने हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि जो दो पार्टिकल्स है उनकी जो रिएक्शन है वो सेम रहेगी, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो सेम रहेगी, और दूसरे की मोमेंटम मतलब एक यहाँ से इधर जो एनर्जी आ रही है वो भी सेम होना चाहिए, जो उनकी और मोमेंटम है वो भी सेम होना चाहिए, मगर दोनों रिएक्शन में ये नहीं हो रही थी तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस प्रॉब्लम के हमारा जैसे ये कंपाउंड बन रहा था अलग से ये निकल रहा था, 7 हो रहा था और ये 14 हो रहा था, तो इधर से एक प्लस में एनर्जी भी निकल रही थी, एनर्जी भी थी। और दूसरा जो बड़ा मसला था वो जब ये निकला, ये पार्टिकल इधर से निकला के एन टाइम टेन, जब ये निकला तो इसने एक टेन हमारा जो कंसीडर कर दिया, मतलब कंज्यूमर कर दिया एनर्जी और मोमेंटम को, दोनों को कंज्यूमर कर दिया, और इसके मतलब फिर से ये रिएक्शन सेट हो रहा था, वरना हमारा रिएक्शन सेट नहीं हो रहा था। और ये जो एनआईन की वजह से ये लाइट ये चार्ज लेस है, इसको चार्ज नहीं है, इनविजिबल है, इनविजिबल है और वेटलेस मासलेस है, मासलेस भी है और चार्जलेस भी है और इनविजिबल भी है। हम मतलब बहुत नहीं दिखाई देता और मिलता नहीं है, जैसे जब ये रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में ये मिलता है, तभी हमारा पूरा रिएक्शन सेट होता है। तो इसी डिटर्मिनेशंस और अब जो हमारा टॉपिक है अल्फा और बीटा, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल दोनों रेडियोएक्टिविटी है, दोनों रेडियोएक्टिविटी कहते हैं रेडियो रेडियोएक्टिविटी है। रेडियोएक्टिविटी क्या है वो है न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिनोमेना है, वो न्यूक्लियर फिनोमेना। और बीटा क्या है, बीटा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन मौजूद कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन मौजूद है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं सेल में, सेल की आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट में आउटर वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में, और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं न्यूक्लियस से बाहर जो वैलेंस शेल होता है उसमें। और यहाँ हम कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती है न्यूक्लियर फिनोमेना होती है, तो इसे क्या मतलब, ये तो एक बड़ा मसला हो गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं और वो हम कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमेना है। तो इसमें एक बात सुनी है कि सब जो इलेक्ट्रॉन से कुछ न्यूक्लियस में होते हैं, तो कैसे उसमें क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है, एक न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है चार्ज माइनस होती है और मासिक होता है, और एक होता है प्रोटॉन, एक मास होता है और एक प्रोटॉन, इसमें नो चार्ज होती है, नो चार्ज मास होता है उसमें चार्ज एक चार्ज होता है, जब हमने किया तो इसको माइनस किया तो ये हो गया जीरो, और जब ये जीरो था तो इसे जीरो डाल देते हैं अल्लाह का माइनस, क्या बन रहा था माइनस वन, और जो माइनस वन रहा था तो ये हो गया भाई बीटा इमिशन। बीटा क्या है कि बीटा भी यही है, चार्ज ऊपर जीरो और माइनस वन होती है, तो यही है, तो ये बन रहा था हम इसके लिए। जब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में हो रहे थे, जब एक एटम था वो एटम का न्यूक्लियस जो था वो अनस्टेबल हो गया था, मतलब उसकी कब किसकी चार्ज ज़्यादा हो रही किसकी ज़्यादा कम हो रही थी, तो
इसके लिए न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में टूट रहे थे तो इधर हमारा बन रहा था क्या, बीटा पार्टिकल्स एंड प्लस में एनर्जी, और दूसरा था प्लस में एन न्यूट्रॉन, ये हमारा बन रहा था। तो जब भी हमारा बीटा पार्टिकल तब बन रहे थे जब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में टूट रहे थे, मतलब एक एनिमेट एक एटम था जो वो अनस्टेबल था, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से बन रहे थे बनते बनते, और फिर एक बीटा बन रहा था और एनर्जी रिलीज हो रही थी और न्यूट्रॉन बन रहा था। तो ये था हमारा बीटा पार्टिकल। तो हमारा बीटा गवा में उतना कुछ नहीं है, वो गवा पार्टिकल्स क्या है कि वो वेटलेस है, लाइटर है और वेव है और प्रोटॉन्स है, और वो बहुत ज़्यादा है प्रिटनेट। जो गामा रेज है वो मीडियम है, और लॉस और अल्फा पार्टिकल जो वो बहुत लेस हैं, और हाई हाई जो है वो गामा है। और दूसरा इसमें जो है वेटलेस बीटा का वो बहुत कम, उसका वाले वेट होता है, वो नज़र नहीं आता मास, और हाई होता है जो अल्फा कम, अल्फा रेज होती है हाई बहुत। ये दिस टॉपिक हमारा टॉपिक था रेडियोएक्टिविटी, इंशाल्लाह कल।